कहाँ लोगों को एक कुर्सी नसीब नहीं हो रही है, और ये चार चार कुर्सी पे बैठे हुए हैं। इतनी इतना ज़्यादा कुर्सी का मोह, यही होते नेता लोग, कुर्सी का मोह। सुबह सुबह की चाय का आनंद लेते हुए हम, हाँ ठंडक आ गई है ना यहाँ पर, ठंडक लग रही है। लखनऊ में उतना नहीं पता चल रहा था अभी, लेकिन यहाँ लग रही है, खुला है। अभी द्वारिकागंज जाएंगे तो वहाँ तो और पता चलेगा। ये है मोबाइल की दुनिया के लोग, मोबाइल पे ही व्यस्त है, मेरे पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ना पिताजी ना इनके पुत्र जी। नाश्ता लेके आना चाहिए। नाश्ता देखो बन रहा है नाश्ता, ये देखो ये सिंघाड़ा जो हम लोग उस दिन खरीदे थे, ये देखो अभी मैं छीलने जा रही हूँ उसको। भैया अभी हम फोन किए थे। चोखा बना रहे हैं। ठीक है, आज क्या है ये चोखा? सूरन, सूरन सूरन का भरता जरूर बनता है। हाँ, सूरन का भरता बन रहा है। और सागर ने कचौड़ी बनाई है। अभी मैं आज अभी कढ़ाई पनीर मैं बनाऊंगी। हाँ, और सब्जी एक और बनी है, तो अभी सागर ने सारा कर दिया है। अभी हम लोग कचौड़ी बनाएंगे उड़द की, और भरता तो सागर बना दी, और पनीर मैं बनाऊंगी। ठीक है, ठीक ठीक भाभी। सुबह की चाय, बस चाय पी लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग। बनाना नहीं, बहुत लेट हो जाएगा। अभी नाश्ता बनेगा ढोकला और समोसा, नाश्ते में समोसा बनेगा। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। पापा भी पूजा कर रहे हैं और मम्मी बस जा रही है पूजा करने, वहाँ कराई है। ये हमारा मॉर्निंग रूटीन है, मम्मी पापा सुबह उठ के नहाते हैं, योगा पापा योग करते हैं, और उसके बाद नहाएंगे, पूजा करेंगे, फिर दो घंटे पूजा करते हैं। बाप रे, मैं तो बैठ नहीं पाती हूँ 5 मिनट भी। ये ढोकला बनाया है, हमारा बन गया ढोकला। और कैसी है दीपक जिया खाने में? बहुत टेस्टी ढोकला, अच्छा है। खाने तो दो अभी खाए भी नहीं। खा के देखो, खा के जल्दी देखो, जल्दी से मेरी तारीफ करो। कैसा है? बहुत अच्छा। अच्छा है, सॉफ्ट है बहुत। और समोसा भी खाओ। पुजारी जी पूजा करिए, मन लगाइए पूजा में। लोग जा रहे हैं द्वारिकागंज, और वहीं पर दिवाली मनाएंगे। पूजा घर पे कर लिए हैं, अब हम लोग गांव जा रहे हैं और वहीं पर रात पे रुकेंगे, वहीं अभी पूरा मस्ती होगी। कल परिवा है, कल का पूरा दिन हम लोग का वहीं बीतेगा द्वारिकागंज में ही, और फिर कल शाम तक हम लोग वापस आएंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग गाँव में अपने। उसके पर कूद पड़ी, उसके पर तुम्हारे पापा उसके पर कूद पड़ी। तुम्हारे
पापा ही थोड़ा कंट्रोल कर लें। हम भी कर पाते हैं। हम मतलब नहीं बाहर जैसे चाची आप उसको चाची के घर जा रहे थे सबका घोड़े का मुंह हम एक तरफ करके रख लिए हाँ, हम आपसे बोलेंगे कि इसमें से कहीं एक पत्ता निकालिए आप। अब कहीं भी एक पत्ता निकाली कोई मान लीजिए आपने ऐसे निकाल लिया फिर आप इसको देखिए उतने में क्या किया उसका पलट दिया तो घोड़े का मुंह हमारे पास जो है उल्टा हो गया फिर जब आप डालेंगे तो उसका मुंह सीधा रहेगा तो फिर सारे ऐसे पलट लेंगे आपको वही है जादू पीछे बहुत कट गया यार कुकी रसगुल्ला आ गए बहुत है बहुत है डांडी यात्रा निकला बुजुर्गों का जंगल आ जाओ भाई आओ साथियों डांडी यात्रा गांधी जी निकाल लेते देख क्या भाइयों सुबह हो चुकी है द्वारकागंज की सुबह ये मेरा रूम है और अभी मैं जा रही हूँ ऊपर चाय बनवाने और ये मेरी चाय बन रही है अदरक का चला गया मेरे आँख के अंदर रामदेव की अगर आई ड्रॉप कभी हफ्ते डाली है तो सेठ हुई इस बात वरना बहुत ज़्यादा ख़राब है तो सुबह की चाय हमारी बन गई है अदरक वाली चाय अब हम नीचे मुझे भी लिया था भाई पतंग के बुला के तुमने सलमान खान के साथ गलत कह रहे हैं भाई सेल्फी कोई जानता नहीं था कि ये कौवा जैसे मुंह बनाए हुए हैं बाहर सब लोग आ गए हैं पता है वाह मेरी आंटी क्या बना रही हैं कढ़ी तुम क्या बना रही हो आलू गोभी की सब्जी ओए छोटू हाँ मम्मी है ये पापा है और ये बच्चा है कहाँ मम्मी है मम्मी के लिए बहुत सुंदर आइसक्रीम आई है कौन मम्मी है हाँ मम्मी है ये पापा है ये पापा है पापा है और ये बच्चा है वो बूढ़ा बच्चा बच्चा कह रही है कैसे ये कौन पड़ोसी आ गया है पड़ोसी को अपने घर में घुसने मत दो बगाओ पड़े से पापा ये हमको बहुत बगा दीजिए पापा अंदर आइए आइए आप कौन है आरुष पांडे एकदम ब्लॉकबस्टर जा रहे हैं मम्मी के घर मेरी मम्मी के घर मायके इनके ससुराल नहीं मायके की तरफ जैसे जैसे कदम बढ़ते हैं वैसे वैसे कितना भी इंसान बीमार रहता है ठीक हो जाएगा ठीक होने लगता है आधा 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 बुखार जो है पता लगा अपने बाबा सही होता है आदमी कितना भी बीमार रहे सही हो जाता है क्या करें ये सब भगवान ने बनाया है हम लोग कुछ नहीं कर सकते इसे कहते हैं मोह माया माँ माया भैया जो कह रहे हो ना उधर हॉर्न बजाइए ससुराल पहुंच गए स्वागत करें आपका मालूम है फूल माला लेकर आ गए मेरे दामाद जी अंगना में पधारे दामाद जी बता दी उसके बाद लॉगिंग कर रहे हैं हम लोग पहुंच गए हैं
मम्मी के पास अब मम्मी को मेरे समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, मम्मी क्या हो गया था वीडियो पे है। हाँ मम्मी तेरी ब्लॉगिंग में है। बोले मम्मी कुछ क्या बोले मेरी बेटी आई है बहुत खुशी है। कि बचपन में क्या होता था दिवाली में, आप लोग नहीं जानते पटाखे क्या होते थे? नहीं पटाखे हम लोग की दिवाली इनके कोहली में बनता था वो पटाखा, तो उसको घुमा घुमा के जलवास उसको फोड़ते थे। और दिवाली घर में बनती थी पहले नहीं? दिवाली दिए जलते थे, मिट्टी की दिवाली हम लोग एक महीना पहले बनाते थे। अच्छा, तो तुलसी का जलता था तो वही दिवाली में काम आता था। खेत में जलाया जाता है, खेत में तो अभी भी जलाया जाता है, लेकिन मतलब पहले सब जमाना में क्या इतना फैशन है कि इतना रंग बिरंगा रंग कितना पैसा है सब। पहले पैसा आदमी बर्बाद नहीं करता था, मतलब आपके लोग पैसा बर्बाद करते। और क्या, आप मेरा ब्लॉग देखी है क्या? हम भी सुना रही है बहुत बाजार को के घर अम्मी को सुना रही है। हम लोग मिट्टी का घर बनाते थे खूब बढ़िया, उसमें सजा कोई नहीं मम्मी, हम दूसरे को दे रहे हैं इसी बहाने, दूसरे को पैसा दे रहे हैं, उन गरीबों को पैसा दे रहे हैं उनसे सामान खरीद कर, है कि नहीं? नहीं मिलता ही नहीं था ना। हाँ मिलता नहीं, नहीं मिलता था, कुहार लेके आके घर घर दे दिया। आपका शहर में कहा कोई टोला मिट्टी डाल डाल के पीसते थे। हाँ तराजू घंटी खरीदे हम भी, तराजू सारी मिठाई रख के वजन करते थे। पत्ती से पत्ती की रुपया होते थे, वही पत्ती के रुपये को एक दूसरे। ये है कांजी वड़ा, मम्मी का स्पेशल लगी कांजी वड़ा, आज तक नहीं खाया था मैंने, बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। रेसिपी अगर चाहिए तो मम्मी की जुबानी सुनिए, रेसिपी बहुत ही ज्यादा टेस्टी है और बहुत इजी है, दही बड़ा से भी इजी है। जिनको दही बड़ा नहीं पसंद है वो कांजी वड़ा बना के खाएंगे, मतलब बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। पेट के लिए बहुत फायदा करता है। मम्मी जस्ट बताइए रेसिपी, कांजी वड़ा की रेसिपी बताइए मम्मी, कांजी वड़ा की रेसिपी बताइए सबको। चलिए कांजी वड़ा का पहले पानी गर्म कर लीजिए, गरम करके उसको ठंडा उबल जाए खूब, उसको ठंडा कर लीजिए एकदम। जब ठंडा हो जाए तो कांच के जार जो आता है उसी कांच के जार में, कांच के जार में रखना जरूरी है, प्लास्टिक में नहीं? नहीं नहीं, कांच के जार में उसको धुल के गरम पानी से धूप में सुखवा लीजिए। तब उसके बाद उसमें क्या सूखना है, कांच मतलब वो कांच का वो जार जो है। अच्छा, कांच का जार धूप में अच्छे धूप में दिखा दो, फिर बढ़िया से धो के तब उसमें दो तीन चम्मच हो, जैसे एक लीटर पानी रहे तो उसमें दो चम्मच सरसों पीस के डालिए, आधा चम्मच हल्दी, एक चुटकी हींग और स्वाद अनुसार नमक, और जिसको माने कड़ुआ खाना हो तो एक चम्मच मिर्चा लाल मिर्च डाल दीजिए। बस उसको रख दीजिए, तीन दिन बाद उसको खाइए, ढक के बंद करके रख दीजिए कि जहाँ जैसे ठंडी में गर्म हो, गर्मी में तो जल्दी दो ही दिन बाद हो जाता है, लेकिन ठंडी में तीन दिन बाद माने उसको रख। अच्छा, तीन दिन में ये इसका जो पानी होता है वो तैयार होता है उसके बाद। और ज़्यादा खट्टा करना चाहिए तो उसी में गाजर रहे लंबा लंबा काट के उसी में डाल दीजिए, तो खट्टा हो जाए उसका स्वाद और अच्छा होता है। हाँ, गाजर डालने से हाँ, कुल मिला के ये जो इसका पानी है कांजी वड़ा का जो पानी है वो पेट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। और बड़ा बाद में बड़ा जो है वो चाहे मूंग का आप बना के और चाहे उड़द और मूंग मिक्स करके आप बना के दीजिए, उसको गरम पानी में डाल के जैसे जिन हो गरम पानी में डाल दीजिए। हाँ, उसको हाँ, मुलायम हो जाए उसी में डाल के और बूंदी डाल दीजिए ऊपर हाँ, से वो रहे थे। मम्मी का एक ही आविष्कार करती रहती है नई नई रेसिपी का, इनके पास जब आओ तो ये नया कुछ बना के रखती हैं, अच्छा लगेगा। सब्सक्राइब करिए मम्मी, मम्मी कितने धीरे से बोल रही है, हाँ ठीक है सब्सक्राइब करिए मम्मी अच्छे से बोल दीजिए मम्मी बोलने ही नहीं आता अभी तो बोली, हाँ ठीक है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। अगर मम्मी की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मम्मी के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। Thank you.
अभी मम्मी का बागीचा देखने चलते हैं। मम्मी ने बहुत ढेर सारी सब्जियां उगाई हैं, बहुत सारे प्लांट्स लगाए हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इसकी आधी पत्तियां लाल हैं और आधी ग्रीन कलर की हैं। ये कैसे त्रिशूला अच्छा। ऊपर की देखिए सारी पत्तियां रेड कलर, ये सुबह के समय व्हाइट रहता है और दोपहर होगा तो पिंक हो जाएगा। देखिए पिंक होना स्टार्ट हो गया है। क्या ये पीपल का पेड़? पीपल का पेड़ 10 साल पुराना है। हाँ। अगर 10 साल और हो जाएगा तो हाँ। इसकी कीमत कम से कम 50,000। वाह पापा बेच के हमको दे दीजिएगा 50,000। ये पत्तियां खा रहे हीरो बन के बहुत। बेटा तुम भी मेरे वीडियो में आ गए हो, क्या किस्मत है तुम्हारी। हाँ शर्मा भी रहे हो, मतलब इतना मोटा ताजा हो गया देख लो, इतने नजदीक खा के एकदम हीरो बने हुए हैं। मम्मी के बागीचे में आए तुम, मम्मी की नजर से ऐसे तो बच नहीं सकते। ये दूसरा वाला देखो, अब इसका देखो। हाँ आंखें देखो, आंखें एक में मम्मी आंखें दिखाए, आंखें देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। सुंदर तो हो बेटा तुम, बहुत बहुत ही सुंदर कीड़े हो तुम। ये क्या कद्दू है? नेनुआ है। मेरी चाची भी बहुत, मम्मी चाचा अजय चाचा बहुत पेड़ लगाए हैं कद्दू उद्दू का। बैगन है ये, अरे वाह बैगन भी हुआ है। ये छोटा सा बागीचे का बैगन, कहाँ गए बैगन? बैगन राजा, ये है बैगन। लौंग, वाह इनको पेड़ का बहुत ज़्यादा शौक है, इनको जंगल में ले जाके बैठा दे ज़्यादा सही है। ये भी पेड़ वो भी पेड़, मतलब कितना पेड़ चाहिए, पेड़ से पेट नहीं भरता। ये क्या है, खाने है? नहीं ये वो खाना नहीं, मर भी जाओगी। अरे मरेंगे नहीं, बिंदी लगा दिया है। हेलो बाय, सब्सक्राइब करिए। अब हम सुल्तानपुर से वापस जा रहे हैं लखनऊ। सो जाते वक्त तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, आते वक्त थोड़ा सा मन दुखी है। दिवाली भी उतने अच्छे से मतलब सेलिब्रेट हुई, लेकिन जैसे एक पटाखे और ये सब हमारे यहाँ इस बार नहीं हुआ, उसका कुछ रीज़न था। हमने इस बार पटाखे वगैरह अवॉइड किए और बाकी सब पूजा पाठ हुई, सब लोग एक साथ आए मिले, यही इन्जॉयमेंट है घर में। एक साथ पूरा परिवार जब एक साथ होता है, दूर दूर से लोग चले आते हैं दिवाली और होली मनाने, फैमिली के साथ एक साथ मिल के सब लोग इकट्ठा होते हैं, बातें होती हैं, इतने दिन की बातें रहती हैं हम लोग में, बहुत पंचायत होती है, मज़ा आती है, सब लोग एक दूसरे से आपस में बात करते मिलते हैं। यही है फेस्टिवल, एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ अपनी बातों को शेयर करते हैं। मेरे ख्याल से फेस्टिवल इसीलिए ज़रूरी होता है कि हम लोग मिले आपस में, एक साथ रहें, उस समय बिताएं एक साथ। तो ये पटाखे वगैरह बहुत मायने नहीं रखते हैं, तो इस तरह हम लोग की दिवाली मनी। बच्चों के लिए थोड़ा सा था कि नहीं इस बार पटाखे वगैरह नहीं हुए, लेकिन उनको भी बाद में ये समझ में आया कि नहीं एक दूसरे का साथ ही बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। फिर मैं अपनी मम्मी के घर भी गई, अब हम वापस जा रहे हैं। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए और मुझे मोटिवेट करिए ताकि मैं आगे ही ऐसे ही कुछ नई नई चीज़ें आपके लिए करती रहूं, कुछ नई नई चीज़ें लाती रहूं। और एजुकेशनल व्लॉग भी मैं बनाने की कोशिश कर रही हूं, क्योंकि मेरा चैनल अभी एजुकेशनल है। और आप लोग मुझे सजेस्ट करिए कि मुझे ये व्लॉग का चैनल अलग बनाना चाहिए कि इसी चैनल में मैं कंटिन्यू करूँ। तो आप लोग अगर कुछ सजेशन मेरे लिए छोड़ना चाहें तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके मुझे बता सकते हैं, मैं इस पर ज़रूर फॉलो करूँगी। जैसे पर मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ, टेक केयर, बाय।